हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाई है मूली की फली की सब्जी, आलू के साथ बनाई है, जिसे मंगोरी की सब्जी भी कहते हैं। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने मूली की फली कट कर ली है और हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल, इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच राई, एक छोटी चम्मच जीरा, अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे हम दो चुटकी हींग, एक चम्मच हम लहसुन डालेंगे कुटा हुआ, अच्छे से इसे ब्राउन होने देंगे। तो ये हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और दो खड़ी मिर्ची कटी हुई, इसे भी भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमने प्याज को भून लिया, इतना हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मूली की फली जो हमने कट की थी और इसे भी 2-3 मिनट तक ऑयल में भून लेंगे। तो हमने मूली की फली को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो आधा चम्मच में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच फूल भर के नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक और चला लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ 2 से 3 मैंने आलू लिए हैं छोटे साइज़ के, अब बड़े हों तो आप 2 ले लें। और इससे मैंने अच्छे से धो के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, वो डाल दिए हैं। और आलू को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो आलू को देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट तक भून लिया है और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ मैंने छोटे वाले टमाटर लिए हैं, वो भी मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ। तो आलू और टमाटर को हम साथ में पकाएंगे क्योंकि मैंने ये कट किए बिना ही डाल दिए हैं। अगर आपके पास देसी टमाटर है तो आप कट करके बाद में डालें, पर मेरे पास ये छोटे चेरी वाले टमाटर से मैंने लिए हैं। साथ ही हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 से 6 मिनट हमें हो गए हैं और ये अच्छे से पक गई है परफेक्टली, क्योंकि हमने इसे पहले भी पकाया था, ऑयल में फ्राई करा था 2-3 मिनट तक। तो इसे 5 से 6 मिनट लगे थे पकने में, तो हाई फ्लेम पर इसे और चला लेंगे 2 मिनट। तो ये देखिए परफेक्ट बन गई है। हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमने सब्जी को सर्व कर लिया है, तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और कैसी बनी अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।